Assalamu alaikum and welcome to Zaions.com. Last video में एक बात हमसे रह गई, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो है Rozee.pk में जॉब्स अलर्ट लगाना। वो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि Rozee.pk में जॉब अलर्ट्स क्या हैं और उनको किस तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले Rozee.pk में आ जाएंगे और अपने अकाउंट में लॉगिन कर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि अपने अकाउंट को सेटअप किस तरह करना है और जॉब सर्च किस तरह करनी है और उस जॉब पर अप्लाई किस तरह करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जॉब्स अलर्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं ताकि जो जॉब आपके लिए सूटेबल हो वो आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट में मिल जाए। उसके लिए आप सबसे पहले Rozee.pk में आ जाएंगे और उसमें आने के बाद यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन है जॉब्स का, उस पर होवर्ड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन अलर्ट्स का, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपने अभी तक अपने जॉब अलर्ट्स लगाए हुए हैं, इस तरह की अगर कोई जॉब कोई पोस्ट करेगा तो आपको उसका अलर्ट ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। आप नए अलर्ट किस तरह लगा सकते हैं, आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट अलर्ट का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये फिर आपसे कीवर्ड्स मांगेगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो लफ्ज़ होते हैं जिनको जॉब में यूज़ किया जाता है, मतलब कि एक फ्रंट एंड डेवलपर। अब यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर ये कीवर्ड है। अब कोई भी अगर जॉब फ्रंट एंड डेवलपर की देगा, फ्रंट एंड डेवलपर होता है जिसको HTML का काम आता हो, तो फ्रंट एंड डेवलपर की कोई अगर जॉब होगा तो आप चाहते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर की जो जॉब हो उसका अलर्ट आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपने सिर्फ कीवर्ड में फ्रंट एंड डेवलपर ऐड कर देना है, फ्रंट एंड डेवलपर का कीवर्ड ऐड करना है। उसके बाद एक कीवर्ड को दूसरे कीवर्ड से सेपरेट करने के लिए आप कॉमा का यूज करेंगे, ये जो। उसके बाद आप न्यू कीवर्ड लिख देंगे वेब डेवलपर और इसी तरह आपके जो जो कीवर्ड्स बन रहे होंगे आप वो सारे कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं। तो ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो मेरी जॉब के लिए सूटेबल हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कीवर्ड इज, यहाँ पे आपने कीवर्ड्स मेंशन कर दिए और उसके बाद आप उन्हें बताएंगे कि ये कीवर्ड्स जो आपने मेंशन किए हैं ये क्या चीज़ें हैं। मैंने जितने भी कीवर्ड्स लिखे हैं वो सारे जॉब के टाइटल में होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कीवर्ड इज जॉब टाइटल। मतलब कोई भी अगर जॉब है जिसका टाइटल है फ्रंट एंड डेवलपर तो उसका अलर्ट मुझे आ जाए, कोई भी अगर जॉब है जिसका टाइटल है वेब डेवलपर तो उसका अलर्ट मुझे आ जाए, कोई भी जॉब है जिसका टाइटल है HTML डेवलपर उसका अलर्ट आ जाए, एंड सो ऑन। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर किसी जॉब के स्किल में नहीं होगा, स्किल में क्या हो सकता है HTML, तो अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ मैंशन किया होता है HTML CSS HTML कोमा CSS कोमा JavaScript और इस तरह अपनी सारी लैंग्वेजेस को यहाँ पे मैंने मेंशन किया होता तो फिर मैं यहाँ पे टिक करता कीवर्ड इज स्किल्स। और अगर मैंने किसी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट करना है कि ये अगर इस कंपनी ये कंपनी कोई अलर्ट जॉब प्रोवाइड करती है तो उसका अलर्ट मुझे मिल जाए, जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी Rozee.pk पे कोई अपनी जॉब पोस्ट करती है तो उसका अलर्ट मुझे मिल जाए, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड्स में लिख दूंगा माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ कीवर्ड इज कंपनी कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने कीवर्ड्स लिखे थे वो सारे टाइटल में हो सकते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कीवर्ड इज जॉब टाइटल। उसके बाद आप यहाँ पे अपना करियर लेवल सेलेक्ट करेंगे, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जो आपका अगर आपने पहले कभी काम किया हुआ है तो वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसड हो जाएगा, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, नहीं तो फिर एंट्री लेवल। उसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस होगा जितनी साल तक आपने काम किया हुआ है वो यहाँ पर आप मैंशन कर देंगे। उसके बाद जो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है वो आप लिखेंगे कि जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है वो आप लिख देंगे कि मैं चाहता हूँ कि इतनी सैलरी हो तो फिर मुझे अलर्ट मिले। उसके बाद आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे कि जिस जिस सिटी को आप चाहते हैं कि अगर इस सिटी में ये जॉब पोस्ट की गई है कि वेब डेवलपर की जॉब उन्होंने लाहौर में पोस्ट की है तो फिर ही मुझे अलर्ट मिले, अगर उन्होंने कराची में पोस्ट की है तो मुझे अलर्ट ना मिले, तो यहाँ पर आप वो सिटी को स्पेसिफाई कर देंगे और बाद में सेव कर देंगे। तो ये तरीका था कि आप Rozee.pk में अलर्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जब आप सेव कर देंगे तो ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अलर्ट ऐड हो गया। अगर आपको लगता है कि इस अलर्ट में कोई चीज़ हमसे गलती से ऐड हो गई है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का क्लिक ऑप्शन है, आप एडिट पर क्लिक करेंगे वो सेम विंडो आ जाएगी, आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जॉब मिल चुकी है और आप चाहते हैं कि ये अलर्ट डीएक्टिवेट हो जाए, आप इसको डिलीट नहीं करना चाहते लेकिन डीएक्टिवेट करना चाहते हैं ताकि जब तक आप फिर जॉब को सर्च नहीं करते, आप आगे किसी बेहतर जॉब पे जाना चाहते हैं तो तब आप इसको रीएक्टिवेट कर लें ताकि आपको दोबारा फिर ये सारी चीज़ें लिखनी ना पड़े। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड ऑप्शन है डीएक्टिवेट दिस जॉब अलर्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो जॉब अलर्ट होगा ये डीएक्टिवेट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च दिस जॉब। सर ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे क्या है कि आपने यहाँ पे जो जो चीज़ें मेंशन की हैं, आपने यहाँ पे मतलब अपना एक्सपीरियंस का है कि एंट्री एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का है, करियर लेवल हो, उसके बाद जो मिन सैलरी हो वो हो 20,000 तक, उसके बाद जो जॉब टाइटल्स हों वो ये, तो आपने जब इसके थ्रू डायरेक्ट जॉब को सर्च भी कर सकते हैं। आपको बस ये थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये इन सभी जो फील्ड्स के थ्रू उन जॉब को सर्च कर लेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब हमें फर्स्ट नंबर पे ही आ गई है, क्योंकि हमने अपना एक्सपीरियंस फोर ईयर लिखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने एक्सपीरियंस भी 4 साल तक रखा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि इस जॉब अलर्ट को डिलीट करना चाहते हैं, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है डिलीट, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये जॉब अलर्ट डिलीट हो गया। तो ये सारा तरीका था कि Rozee.pk क्या है, उस पर जॉब्स किस तरह लगती हैं, आपका उसमें अपना अकाउंट किस तरह बना सकते हैं, अकाउंट बनाने के बाद उस आप अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट किस तरह कर सकते हैं, 100% कंप्लीट करने के बाद आप जॉब्स को Rozee.pk पर सर्च किस तरह कर सकते हैं, और एट द एंड आप जॉब अलर्ट किस तरह लगा सकते हैं ताकि आपको जब वो जॉब्स अवेलेबल हों तो आपको एक अलर्ट मिल जाए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। अगर वीडियो में कोई बात आपको समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।